आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जो बलूत के पेड़ के तने में एक सन्यासी बनकर रहते थे। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 16 मई को संपूर्ण कलीसिया संत साइमन स्टॉक का पर्व मनाती है। संत साइमन स्टॉक का जन्म 1165 ईस्वी में इंग्लैंड के केंट शहर में हुआ था। वे बचपन से ही अपना जीवन प्रार्थनामय और सेवाकारी भावना से करते थे। अपने अंदर सेवा की भावना जगाते हुए उन्होंने एक सन्यासी बनने का निश्चय किया। वह एक सन्यासी और एक उपदेशक भी बने और ख्रीस्ती सुसमाचार का प्रचार करते रहे। वे कार्मलाइट संघ से जुड़ गए और उन्होंने इस संघ में जुड़ने के बाद अनेक सेवा कार्य किए। ऐसा कहा जाता है कि वे पवित्र देश भी गए थे। संत साइमन स्टॉक के जीवन से जुड़ी एक और कहानी मैं आपको बताऊंगा। 16 जुलाई 1251 की बात है, जब कार्मलाइट संघ पर अत्याचार हो रहे थे तो माता मरियम ने संत साइमन स्टॉक को दर्शन देकर कहा था कि मैं तुम्हें मुक्ति के चिन्ह के रूप में एक तावीज देती हूं, जिसे तुम और तुम्हारे संघ के लोग अगर पहनेंगे तो तुम्हारे संघ के लोगों की रक्षा हमेशा की जाएगी, तुम्हें सभी बुराइयों से और नरक की अग्नि से बचाया जाएगा। माता मरियम ने दर्शन में संत साइमन स्टॉक को यही कहा था। सन 1247 में उन्हें कार्मलाइट संघ का 6वां सुपीरियर जनरल बनाया गया। उन्होंने अपने संघ के अनेक युवकों को उच्च शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और पेरिस जैसे प्रसिद्ध महाविद्यालयों में भेजा। 16 मई 1265 में संत साइमन स्टॉक की फ्रांस देश के बॉर्ड्यू शहर में मृत्यु हो गई और बॉर्ड्यू शहर के गिरजाघर में उनकी समाधि बनाई गई है। तो आइए, ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी संत साइमन स्टॉक की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी सरलता और सादगी भरा बना रहे।